इन्फॉर्मेटिव बी डॉट बी के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए इंतहाई दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाइना में 24 मंजिला एक इमारत ऐसी भी है जिसमें लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया। इंडिया के शहर दिल्ली में एक ऐसा पहाड़ भी है जो मुसलसल बड़ा हो रहा है। मजीद आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जर्मनी में गाय के दूध से कपड़े भी बनने लगे हैं। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव बी डॉट बी को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 4। तस्वीर में नजर आने वाले जहाजों का मंजर ये बताता है ये बहरी जहाज शायद किसी दूर दराज समुन्द्र से यहाँ इस सहरा में लाए गए होंगे, मगर ऐसा नहीं है। दर हकीकत मौजूदा रेत का वसी मैदान हमेशा से ऐसा बंजर उजाड़ सहरा नहीं था, बल्कि ये जगह वो है जहाँ एक वक्त में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी झील बहती थी। 68,000 मुरब्बा मील पर वाकया ये झील अभी भी कायम तो है, मगर इसका 90% हिस्सा पानी खुश्क होने के बाद सहरा में तब्दील हो चुका है। उज़्बेकिस्तान और काजिकिस्तान के दरमियान वाकया इस झील को बहरे ख्वारज़म के नाम से दुनिया जानती है। उज़्बेकिस्तान और काजिकिस्तान के लिए बहरे ख्वारज़म का पानी बहुत अहमियत रखता था, मगर अब दोनों ममालिक में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। नंबर 3। फैशन में आने वाली जिद तो आपको अक्सर हैरान करती होगी, मगर हम आपको आज इस मुतल्लिक नाकाबिले यकीन बात बताने वाले हैं। फैशन और पहनावा के लिए अब दूध भी इस्तेमाल होने लगा है। यकीनन ये बात आपको हैरान कुन लगी होगी, मगर ये हकीकत है। जर्मनी की रिहायशी आनके डोमेस्के, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और फैशन डिजाइनर भी है, आनके डोमेस्के ने गाय के दूध से धागे को तैयार किया जिससे बने कपड़े हैंगर पर लटके आप देख रहे हैं। दूध के बने ये कपड़े बहुत ही नरम और मुलायम हैं और इनसे बिल्कुल भी दूध की स्मेल नहीं आती। नंबर 2। हिंदुस्तान के शहर नई दिल्ली में दुनिया का अब तक का मुनफरिद तरीन पहाड़ मौजूद है। वैसे तो हिंदुस्तान गंदगी और आलूदगी की वजह से बहुत ही जाना जाता है, इसी हवाले से हम आपको इंतहाई मुनफरिद चीज बताने वाले हैं। नई दिल्ली में मौजूद ये पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता बड़ा भी हो रहा है। 15 मंजिलों से भी बुलंद और बुलंदी की तरफ बढ़ता हुआ हिंदुस्तान के कैपिटल नई दिल्ली में वाकई ये पहाड़ दरअसल कूड़ा दान है, जहां बहुत अरसे से शहर का कूड़ा फेंका जा रहा है। कूड़े का ये पहाड़ गंदगी आलूदगी बदबू के अलावा बहुत बड़ा मसला भी बन चुका है। नई दिल्ली इंडिया का कैपिटल सिटी है और यहाँ हर वक्त जहाजों की आमदोरफ्त रहती है। बेशतर जहाजों का रूट इस पहाड़ के ऊपर से होकर जाता है और गंदगी की वजह से यहाँ हर वक्त परिंदों का झुंड लगा रहता है, जिससे जहाजों का टकरा जाने की सूरत में शदीद नुकसान का खतरा हर वक्त मौजूद है। ये कूड़े का पहाड़ मुस्तकिल हुकूमती नाअहली की वजह से बढ़ता जा रहा है। रोजाना कई सौ कूड़े के ट्रक इस पहाड़ नुमा कूड़ेदान की चोटी के करीब कूड़ा फेंकते हैं। नंबर 1। आज के इस जदीद दौर में बहुत सी पुरकशिश दीदा से बिल्डिंग्स तो आपने देखी होंगी, मगर हम आपको एक मुनफरिद बिल्डिंग के बारे में बताने वाले हैं। चाइना में बनी 24 मंजिला ये इमारत ऐसी है जो ना सिर्फ मुकम्मल लकड़ी की बनी हुई है, बल्कि इस इमारत में किसी किस्म का कोई लोहा इस्तेमाल नहीं किया गया। यहाँ तक कि इस 24 मंजिला इमारत में एक भी लोहे का कील तक इस्तेमाल नहीं हुआ। दरअसल ये बिल्डिंग पुरानी तामीरी तहजीब का आकाश है। चाइना की पुरानी तहजीब में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल भी सही नहीं समझा जाता था, यही वजह है कि पुरानी इमारतों में किसी भी किस्म का लोहा इस्तेमाल नहीं होता था। छोटी मगर लोहे के इस्तेमाल के बिना बिल्डिंग्स बनाई जाती थीं। उम्मीद करते हैं हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव बी डॉट बी को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर।